नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 अप्रैल के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कल का सवाल देख लेते हैं। सवाल था कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान किया है। तो दोस्तों, समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान करने वाला एकमात्र देश ब्रुनेई है, और आप सभी ने इसका सही जवाब दिया था। तो शरिया कानून अर्थात इस्लामिक कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है ब्रुनेई। और इसी तरह पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए, और वीडियो के अंत में जो सवाल हम आपसे पूछते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और क्लास से जुड़े नोट्स, PDF और अन्य तरह के वीडियोस आपको इंस्टा में जरूर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, रेगुलर आप करेंट अफेयर का वीडियो देखने का आदत डाल लीजिए। मैं आपसे सिर्फ 15 से 20 मिनट मांगूंगा डेली, और इस 15 से 20 मिनट में आपके करेंट अफेयर के 90 से 95% के क्वेश्चन जो है कहीं नहीं जाएंगे, पूरे बन जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो आप रोज़ डेली करंट अफेयर वीडियो देखने की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना डेली करंट अफेयर का वीडियो जो लेकर आता हूँ उसमें काफ़ी मेहनत करता हूँ। 4 से 5 घंटे इस 15 से 20 मिनट के वीडियो बनाने में मैं लगाता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका ने कौन से देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है, और इस तरह से पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने किसी राष्ट्र की एक पर्टिकुलर सेना को ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, और इसका सही जवाब है ईरान। तो चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अमेरिका ने 8 अप्रैल 2019 को ईरानी सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिसे हम शॉर्ट में IRGC कहते हैं, को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका ने किसी दूसरे राष्ट्र की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिका ने IRGC और इससे जुड़े संस्थानों पर पहले से ही आतंकवाद को समर्थन देने और मानवाधिकार के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बहरीन ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है। बहरीन इस कदम से काफ़ी खुश है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को खत्म करने के बाद वाशिंगटन और तेहरान के बीच जो है काफ़ी तनाव बढ़ गया था, और इस फैसले के बाद अमेरिका काफ़ी नाखुश था, और इस कदम को अप्रत्याशित कदम बताते हुए ईरान को सिर्फ आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश नहीं बताया, बल्कि IRGC आतंकवाद को धन मुहैया कराने और उसे बढ़ावा देने में सक्रियता करने लगा है, ऐसा जो है अमेरिका का कहना है। ईरान ने भी इसके जवाब में अमेरिका की सेंट्रल कमांड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अब IRGC क्या है, एक बार देख लेते हैं। IRGC अर्थात रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान के आर्म्ड फोर्स का हिस्सा है। IRGC का गठन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद किया गया था। देखिए, जो देश की सेना होती है, पारंपरिक सेना होती है, वो क्या करती है, सीमाओं की रक्षा करती है, लेकिन IRGC थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। ये जो है देश में इस्लामी गणतंत्र प्रणाली की रक्षा करती है, तो इस पर भी काफ़ी जो है बहस होती थी। अब IRGC ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रमों का भी प्रभारी है, तो IRGC के पास काफ़ी पावर भी है, और IRGC के पास सेना, नौसेना और हवाई इकाइयों के साथ लगभग लगभग 1.25 लाख सैनिक भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ईरान मैप में देख लेते हैं। मैप में ये रहा ईरान, और इसकी राजधानी तेहरान है, और यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है, ईरानी रियाल। आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में कब विश्व सम चिकित्सा अर्थात होम्योपैथी दिवस मनाया गया। तो विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। किसकी याद में मनाया जाता है, चलिए आगे देखते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनका पूरा नाम है, ठीक है, की जयंती के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की ओर से 9 अप्रैल और 10 अप्रैल ये दो दिन को जो है नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में होम्योपैथी से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा किया गया। समारोह में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से प्रचार प्रसार तथा इसकी विशेषताओं और विकास का भी चर्चा किया गया, और साथ ही होम्योपैथी से जो रिलेटेड वैज्ञानिक थे और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित भी किया गया इस समारोह में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क
रैंकिंग 2019 में किस आईआईटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है इसका पूरा फॉर्म, और आईआईटी मद्रास ने इसमें टॉप किया है, टॉप पर आईआईटी मद्रास है। और इसके साथ ही हम तो आईआईटी की बात कर लिया, अब आईआईटी के बाद अदर कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में और लॉ स्कूल में कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन सा संस्था जो है प्रथम स्थान पे है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने ये जो है शीर्ष पर है, ठीक है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, फिर आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर। अब ये तो आईआईटी की बात होगी, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस देश भर के कॉलेजों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, तो कॉलेजों में सर्वश्रेष्ठ पर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस है। एम्स को मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में पहला स्थान मिला है और नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर ने लॉ कॉलेज में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न कि भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो हाल ही में मित्र शक्ति अभ्यास का समापन हुआ है, और कौन से संस्करण का, 6वें संस्करण का, ठीक है। और ये किस किस देश के बीच किया जाता है, यह अभ्यास भारत और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच, ठीक है। तो आगे देखते हैं, भारतीय सेना और श्रीलंका सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का 6ठा संस्करण श्रीलंका में संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ, याद रखिएगा, श्रीलंका में संपन्न हुआ। 2013 में पहली बार हुआ था, तो 2013 में शुरू किया गया था अभ्यास मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले संयुक्त अभ्यासों में से एक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवें प्रश्न की हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 आयोजित किया गया। तो ये जो अभ्यास होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019, ठीक है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास होता है ये किसके किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, और सिंगापुर में कौन सी मुद्रा चलता है, सिंगापुर डॉलर। मैप में देखिए यहाँ पर है सिंगापुर, ये जो येल्लो एरिया दिख रहा है इसको हम इनलार्ज कर लेते हैं, तो ये है सिंगापुर की जो है मैप, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, भारत और सिंगापुर के सैन्य बलों ने झांसी के बबीना छावनी में, तो कहाँ पर हुआ ये भी ध्यान में रखिएगा, झांसी के बबीना छावनी में एक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। 3 दिवसीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 सैन्य प्रौद्योगिकी विकसित करने, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रों की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। सिंगापुर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न हम देखेंगे। 6वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश से सीआरपीएफ के दल को वापस बुलाने का निर्णय लिया है, तो भारत ने किस देश से सीआरपीएफ को वापस बुलाने का निर्णय लिया है, लीबिया से, क्योंकि लीबिया की जो अभी स्थिति है काफ़ी ख़राब है और यहाँ पर जो है अशांति का माहौल है, ठीक है। भारत ने लीबिया में अचानक हालात जो है ख़राब होने पर त्रिलोपी, इसकी राजधानी है लीबिया की, त्रिलोपी में शांति रक्षक दल में तैनात सीआरपीएफ के 15 जवानों को वापस बुला लिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात की जानकारी दी है। लीबिया में सुरक्षा परिस्थिति काफ़ी बिगड़ गई है, ये 2011 से शुरू हुआ था, ठीक है। लीबिया में अशांति का माहौल 2011 में विद्रोह तथा मुहम्मद गद्दाफी की हत्या के बाद जो है लीबिया संकट से घिरा हुआ है। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है, मैप में देख लीजिए, ये है लीबिया, ठीक है, इजिप्ट के आसपास आपको दिखेगा, तो ये है लीबिया और इसकी राजधानी त्रिपोली है। लीबिया को स्वतंत्रता 10 फरवरी 1947 को मिली थी, किस देश से, इटली से, ठीक है। लीबिया का जो धर्म है वो है इस्लाम धर्म, आधिकारिक धर्म मतलब ऑफिशियल धर्म है इसका, और इसकी 96.6 आबादी जो है वो मुस्लिम है। लीबिया की मुद्रा लीबियाई दिनार है। अब आगे बढ़ेंगे, 6वां प्रश्न तो देख लिया, अब 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न की हाल ही में किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो मुख्य चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है, जस्टिस नंदरा जोग है इनका सही जवाब। तो बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 7 अप्रैल को न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग ने शपथ ली है। वह पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वह न्यायमूर्ति नरेश पाटिल का स्थान लेंगे, और प्रदेश के राज्यपाल विद्यासागर राव ने राजभवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति
नंदराज जोग को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसे कौन शपथ दिलाता है और किस तरह का शपथ दिलाता है। तो इस लाइन से आपको ये तो जानकारी मिल गई कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, राज्य का, तो उसे राज्यपाल शपथ दिलाता है, और केंद्र के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। किसका शपथ? पद एवं गोपनीयता का शपथ, ठीक है। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वदेशी निर्मित किस हॉवित्जर को सेना में शामिल किया गया? हॉवित्जर मतलब एक तरह का तोप, तो कौन से तोप को सेना में शामिल किया गया जो स्वदेश तकनीक से पूरी तरह से निर्मित है? इसका नाम है धनुष। तो भारत की मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली स्वदेश रूप से विकसित और विकसित धनुष तोप को भारतीय सेना में जबलपुर के आयुध निर्माणी में आयोजित एक समारोह के दौरान सम्मिलित किया गया था। और ये जो तोप है, एक ऑर्डनेंस फैक्ट्री को ऑर्डर दिया गया था, ठीक है, 110 ऐसे तोप ऑर्डनेंस फैक्ट्री को ऑर्डर में दिया गया था। और ये जो तोप है, तो ये जो है देखिए, 155 मिलीमीटर /45 कैलिबर वाली दो बंदूक प्रणाली धनुष को सभी प्रकार के इलाकों में तैनात जो है किया जा सकता है। धनुष बंदूक प्रणाली बोफोर्स होविट्जर के डिज़ाइन पर आधारित है, जिसे 1980 के दशक में सेना में शामिल किया गया था। और यह K9 वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर के बाद सेना में शामिल होने वाला तीसरे प्रकार का तोप होगा। 9वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर जारी किया गया? ठीक है, तो ऑनलाइन कंटेंट में जो भी फेक न्यूज़ फैलाया जाता है या जो भी गलत बात की जाती है, तो इसके लिए किया गया, और कहाँ पर किया गया? ये किया गया है ब्रिटेन में। ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर जारी किया गया। इसका नाम ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर रखा गया है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट की मनमानी पर अंकुश लगाया जाएगा। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड। अब मैप में आपको ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए मैप में आप ध्यान से देखते रहिएगा, ब्रिटेन किसको बोलते हैं? इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो ये इंग्लैंड जो है और वेल्स, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ब्रिटेन कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? इस दोनों में अगर स्कॉटलैंड को भी हम जोड़ दें तो ये बन जाता है तीनों मिलके ग्रेट ब्रिटेन। अब यूके जो है, इन तीनों में अगर यहाँ पर ये आयरलैंड को भी हम जोड़ देते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड को हम जोड़ देते हैं, तो इसे एक सम्मिलित रूप से यूके कहा जाता है। तो इस तीनों में जो है काफ़ी बहुत लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। आखिरी प्रश्न की हाल ही में किस शख्सियत को आईमा अवार्ड 2019 में इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो किसे इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? संजीव बजाज को। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड बजाज फिनसर्व के एमडी संजीव बजाज को दिया गया। बजाज फिनसर्व का एक भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी है जो ऋण, संपत्ति प्रबंधन, धन प्रबंधन और बीमा पर आधारित है। तो ये है बजाज फिनसर्व। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार हम देखते हैं। ड्रीम इलेवन, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक गेम है। तो भारत की पहली ऐसी गेमिंग साइट है जिसे भारत में पहली बार गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है। भारत में बढ़ती क्लबों की इकाइयां एवं स्टार्टअप के कारण ड्रीम इलेवन को लाभ हुआ है। ड्रीम इलेवन की कीमत $1 बिलियन से अधिक आंकी गई है। राज्य द्वारा संचालित प्रमुख बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे हम NTPC के नाम से जानते हैं, ने कैनरा बैंक के साथ 2,000 करोड़ रुपए एकत्र करने के लिए एक टर्म लोन समझौता किया, जिसका उपयोग उसके पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि NTPC ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला वोट डाला गया, तो ये देखते हैं किस तरह से ये पहला वोट यहाँ पर डाला गया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होना है, लेकिन इससे पहले देश के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में ITB के जवानों ने लोकसभा 2019 का पहला वोट डाल दिया है। इस बार देश में 7 चरण में लोकसभा
चुनाव होगा, तो ये आप याद रखें कि इस बार लोकसभा चुनाव कितने चरण में होगा, 7 चरण में होगा। ठीक है, अब आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो ये है कि विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत की तेजी आने की संभावना है। तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।